और बढ़ेंगे आगे। यूं तो फेसबुक को अक्सर लोग पुराने दोस्तों से जुड़ने और नए दोस्तों को जोड़ने में मशगूल रहते हैं, लेकिन अगर इसी फेसबुक को किसी सामाजिक काम के लिए जरिया बनाया जाए तो दिल्ली नगर निगम में बतौर इंजीनियर राजीव जैन ने फेसबुक के जरिए ही दिल्ली को साफ सुथरा बनाने की एक मुहिम शुरू की है। अब वो रफ्तार पकड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। साफ सफाई में लगे ये लोग ना तो किसी नेता की अगुवाई में जुटे हैं और ना ही यहाँ किसी कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। ये यमुना किनारे का मशहूर हनुमान मंदिर है, जहाँ फेसबुक कैंपेन माई दिल्ली कीप इट क्लीन के तहत लोग सफाई में जुटे हैं। इस कैंपेन की शुरुआत पूर्वी दिल्ली नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव कुमार जैन ने की है। राजधानी को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के इरादे से राजीव जैन की टोली कालकाजी मंदिर में भी साफ सफाई कर चुकी है। हमारा मकसद है कि दिल्ली में सफाई व्यवस्था सुधारी जाए और लोगों को इसके लिए जागृत किया जाए कि वो अपने आसपास सफाई रखें। इस सिलसिले में हमने सबसे पहले कालकाजी मंदिर और हनुमान मंदिर जमुना बाजार और कालकाजी मंदिर कालकाजी में प्रोग्राम किए हैं। सफाई के लिए जागरूकता फैलाने और अलग अलग इलाकों में सफाई अभियान चलाने के लिए राजीव जैन ने फेसबुक को ही जरिया बनाया। उनकी कोशिश कामयाब रही और लोग तेजी से फेसबुक पर जुड़ते चले गए। 6 महीने पहले शुरू किए गए फेसबुक कैंपेन माई दिल्ली कीप इट क्लीन से अब तक 18,000 से ज्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं। फेसबुक पे ही मैंने इनको लाइक किया है और फेसबुक को देखने के बाद मैं पहले शुरू में आने की सोच रहा था लेकिन नहीं आ पाया और आज मैं और मेरी मिसेज दोनों ही इनके सफाई अभियान से जुड़े हैं, क्योंकि ये फेसबुक पर फ्रेंड है और इनका एक ही मकसद है कि लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। दिल्ली को गंदगी मुक्त करने की आवाज़ दिल से निकली तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आया। इस ग्रुप के साथ कई लोग अपनी मर्जी से जुड़ते जा रहे हैं। लोगों को समझाते भी हैं कि डस्टबिन में कूड़ा फेंके, पूरा अवेयरनेस करते हैं। पीछे हम लोगों ने कैरी बैग भी लिए थे इस चीज़ के लिए, वो डिस्ट्रीब्यूट करते कि जो भी कूड़ा आपका निकलता है इस कैरी बैग में डाल करके आप थ्रो करें। हनुमान मंदिर के पास पड़े कूड़े को हटाकर फर्श को पानी से धोया गया। डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए छिड़काव भी किया गया। यहाँ के दुकानदारों के साथ ग्राहकों और मंदिर आने वाले भक्तों को भी सफाई के प्रति जागरूक किया गया। यकीनन डिजिटल इंडिया को हथियार बनाकर फेसबुक पर चलाया गया कैंपेन सफलता की राह पर चल पड़ा है और जल्द ही इसका असर दिखाई देने की उम्मीद है। संदीप चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।